दोस्तों, हम जाने अनजाने बहुत ही शानदार औषधीय पौधों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, जिसका हमें नुकसान भी होता है। आज हम जिस पौधे के बारे में चर्चा करेंगे, यह है पत्थर चट्टा। बहुत ही जाना पहचाना यह पौधा है, परंतु इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइए आखिरी तक बने रहें, अंत में और भी शानदार टिप्स दिए गए हैं। तो पहले हम बताते हैं पत्थर चट्टा का पौधा, ये जो सामने में दिखाई दे रहा है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। यह भारत के लगभग हर घर में पाया जाता है और इसे पत्थर चट्टा पौधे के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे ब्रायोफिलम पिनाटम के नाम से जाना जाता है। पत्थर चट्टा, जिस तरह से नाम लोगों को लगता है कि पत्थर चट्टे का पत्ता खा लेने से शरीर के पत्थर, अगर किडनी में कहीं स्टोन होगा या पत्थर होगा, वह निकल जाएगा। तो किडनी स्टोन को निकालने के लिए सबसे अधिक प्रचलित इस पौधे का उपयोग किया जाता है। इस पौधे को प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान होता है। ये जो मोटे मोटे जिसके पत्ते होते हैं, साइड में जो इसके कटीले से हिस्सा दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ, इसे अगर हम एक पत्ता तोड़कर उसे अगर हम मिट्टी में दबा देंगे, तो इस ढेर सारे कटीले वाले जगह से बहुत सारे पौधे इसके प्रोपोगेट आसानी के साथ में हो जाते हैं। तो इस पौधे को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। इस पौधे के बारे में हम मेडिसिनल प्लांट होने के कारण मेडिकल साइंस में इसका बहुत ही अधिक उपयोगी पौधा है, क्योंकि यह पौधा शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और इन्फेक्शन वगैरह शरीर में कहीं होता है तो उसके दूर करने के लिए बहुत उपयोगी पौधा होता है। इस पौधे का जो सबसे अधिक उपयोग होता है वह पथरी के इलाज के लिए होता है। लोगों को लगता है कि किडनी में अगर पथरी है तो वह इस पौधे के पत्ते खाने से निकल जाएगी। आमतौर पर निकल भी जाती है, क्योंकि सामान्य जो किडनी की जो पथरी होती है वह कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है। तो उसके अलावा भी अगर कई तरह की पथरियां बहुत सारे तरीके की होती हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी तो इससे निकल जाएगी, परंतु अगर कैल्शियम फास्फेट की पथरी बनी है या यूरिक एसिड की पथरी बनी है, सिस्टिन की पथरी बनी है, तो वह इस पत्ते से नहीं निकलेगी। तो लोगों को लगता है कि हमारा इस पत्ते को खाने से समस्या दूर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। यह पत्ता उपयोगी ज़रूर है, परंतु इस पत्ते के जो फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। इस पौधे का जो फायदा होता है, इसका अगर उपयोग करेंगे तो कैंसर पैदा करने वाला शरीर में जो कोशिका होती है उसको कंट्रोल करता है, कम करता है, और खून का जो शुगर लेवल हमारे शरीर में बनता है उसको कंट्रोल करता है। यह बॉडी में कहीं भी फंगस वगैरह की समस्या होगी उसको कम करेगा। यह सूजन, बॉडी में कहीं भी सूजन है उसे कम करता है। किडनी को यह सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है, और लीवर को यह मजबूत करता है। ये तो इसके गुण हो गए। तो इसके वैसे आम तौर पर सबसे ज़्यादा इसका उपयोग है किडनी स्टोन और पेशाब की कोई भी समस्या को दूर करने के लिए लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके काढ़ा से क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, यूरिया, कैल्शियम फास्फोरस और मैग्नीशियम का लेवल कंट्रोल होता है, और यह पौधा सिर्फ ऑक्सलेट क्रिस्टल जो बॉडी में रहते हैं उसी को यह डाइल्यूट करता है। इस पौधे के नुकसान के बारे में जानकारी लेंगे तो यह पौधा बहुत ही अधिक, अगर बिना जानकारी के आप लेंगे तो नुकसान कर सकता है। इससे पौधे के जो पत्ते हैं, अगर इसके उपयोग कर रहे हैं तो आपको बहुत थका थका सा महसूस होगा, आपको गला या मुंह सूखते रहेगा, डाइजेशन समस्या बहुत अधिक आती है, गैस पेट में बनने लग जाता है। अगर कोई हार्ट पेशेंट इसका सेवन कर रहा है तो वह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, या कोई प्रेग्नेंट महिला है या बुजुर्ग और बच्चे हैं, उसका इसका उपयोग करना है तो किसी चिकित्सक की जानकारी के बिना ना करें। जैसा कि हमने शुरू में ही बता दिया है कि इस पौधे को प्रोपोगेट करना बहुत आसान होता है, मल्टीप्लाई करिए, आमतौर पर लोग इसे बगीचे में ज़रूर लगाते ही हैं, परंतु इस पौधे को अगर खाद और पानी देने के समय हम एक विशिष्ट और ध्यान रखने वाली बात करेंगे कि इसमें किसी भी तरह का केमिकल का छिड़काव ना करें। आप खाद या किसी भी पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे
तो हमें इसके पत्ते जो होते हैं वह इतना गुणकारी नहीं रहेंगे, उसमें कोई ना कोई उसके गुण ख़त्म हो जाएंगे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको किसी समस्या के लिए इस पौधे के पत्ते का उपयोग कर रहे हैं तो अगर आपका स्वास्थ्य लाभ हो गया है तो इसका उपयोग तुरंत बंद कर दें, नहीं तो इस पत्ते का एडिक्शन हो सकता है आपको। और ठीक होने के बाद में अगर पथरी के लिए आपने खाया था, पथरी ठीक होने के बाद में भी अगर पत्ते खा रहे हैं तो हो सकता है फिर से पथरी बननी शुरू हो जाएगी। तो यह जानकारी आपको बिल्कुल निश्चित रूप से अपने आसपास के सारे अपने जानकारों को बताना है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।